साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड का हुआ ऐलान। न्यूजीलैंड के बाद अब साउथ अफ्रीका को धूल चटाएगी टीम पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए कैसी है पाकिस्तान की स्क्वाड, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर थी, जहाँ दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 और 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई। T20 और वनडे दोनों ही सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को पटकनी दे दी। आपको बता दें कि T20 में पाकिस्तान की टीम ने जहां न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया, तो वही वनडे सीरीज पर पाकिस्तान की टीम ने 4-1 से कब्जा कर लिया है। अब पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका से भी वनडे और T20 सीरीज में भिड़ना है। इसी बीच पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड सामने आ गई है, जहां पर टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में है, जबकि उप कप्तानी की जिम्मेदारी शादाब खान के हाथों में है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए कैसी होगी पाकिस्तान की स्क्वाड, बाबर आजम कप्तान, शादाब खान उप कप्तान। इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड में फखर जमान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, शाहीन साफरीदी, नसीम शाह, हरीश रौफ, हिसानुल्ला और जमन खान। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए कुछ ऐसी हो सकती है पाकिस्तान की स्क्वाड। दोस्तों आपके मुताबिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में और कौन से खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।